मैडम सर, मैडम सर, डीएसपी सर आ रहे हैं, लेकिन उनका मूड बहुत खराब है। मीरा के बारे में उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने उसे खो दिया है? हाँ। अगर वो अंदर यहाँ आए और मीरा नहीं दिखी उन्हें तो उन्हें शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, आप लोग उन्हें बिजी रखिए, उनसे कहिए कि मीरा हमारे साथ गई है राउंड पर, ठीक है? हम पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। Okay. क्या करें? करिश्मा सिंह उन्हें बाहर रोकी, यहाँ छुपते, चलो। जय हिंद सर। जय हिंद। मिस मलिक कहाँ है? मैडम सर वो राउंड पर गई है। और मीरा? मीरा उनके साथ ही गई है सर, वो ट्रेनिंग के लिए। ओके ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। सर, सर, पहला भी सर, सर, मैंने जो आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए माफी सर, माफी। सर, आपने मुझे पहचान नहीं? I am below the spy. इस थाने की मदद करता हूँ हर केस में सर। सर, बाहर देखिए क्या ठंड हवा चल रही है, घूम के आते हैं। नवंबर का महीना है, ठंडी हवा चलती है, और तुम कौन होते हो मुझे हवा खिलाने वाले? नहीं, मैंने तो आपके थाने का नमक खाया है। बकवास बंद करो और सीधा अपने सेल में जाओ। और तुम्हें मेरे अंदर जाने से कोई समस्या है क्या? हाँ। नहीं, मैं कौन होता हूँ हाँ कहने वाला? ये आपका थाना है, आप इस थाने के किसी भी कोने में आ सकते हैं, जा सकते हैं, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? सर, वैसे कैसे आना हुआ सर आज आपका? देखिए, हमें जो भी बात करनी होगी ना, तो हम मिस मलिक से बात करेंगे, वो हमें अच्छी तरह से समझती हैं। और आप यहाँ से जाइए, जब आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे, समझ गई आप? जी सर। सर, वो हम ये कह रहे थे कि जाना तो सबको ही है सर, एक एक करके सब कतार में लगे हुए हैं, यही सत्य है जीवन का, एक दिन सबको वहां जाना ही है। क्या? हाँ सर, मौत से किसका यारी, आज मेरी कल तेरी बारी, है ना सर? मतलब आज हम चले जाएंगे, कल आप चले जाएंगे, फिर हसीना मैडम चली जाएंगी, वो जिसको जाना है वो जाए, लेकिन जीवन आगे चलता रहेगा। मैडम सर नहीं होंगी तो कल कोई और आ जाएगा ना यहाँ पे उनकी जगह पर, फिर आपको उनसे भी बतियाना होगा, तो शुरुआत आप हमसे कर लीजिए। जो आप मैडम सर को बताने आए थे वो आप हमें बताइए सर, हम आपका बात सुनेंगे। बताइए सर, आप कैसे आना हुआ यहाँ पे? बिल्कुल सही कहा आपने, मौत से किसकी यारी, आज मेरी तो कल तेरी बारी। लेकिन सोचे नहीं थे कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। सर आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसी बातें काहे कर रहे हैं? हाँ, हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। अच्छा सर, ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर। कहाँ सर? ऊपर। प्रमोशन के साथ सर? अब बात है। बिल्कुल ऊपर। सर, सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कह रहा था हमारी ये लीला समाप्त होने वाली है, मरने वाले हैं हम। का? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद तो क्या, बस प्रभु के चरणों में। ये तो अनर्थ हो गया सर, कैसे, मतलब अचानक एकदम से क्या कुछ बीमारी हो गया क्या सर आपको? नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो फिर कैसे पता चला सर आपको, आप ऐसे तबीयत आपका? उसने बताया। किसने सर? एक अनजान मित्र है, वो सब जानता है। उसने बताया कि मेरी जीवन रेखा समाप्त हो चुकी है, मैं मरने वाला हूं। क्या हुआ बहन जी, आप कौन है? बहन जी ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? देखिए हमारा ऑफिस है, आप हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी हैं। हेलो बहन जी, आप सुन रही हैं मुझे? लगता है कुछ ज्यादा पी है इसने, ऐसे नहीं मानेगी।
देखो मैं तीन तक गिनूंगा, यहाँ से चले जाओ नहीं तो उठा करके बाहर फेंक देंगे। थोड़ी मदद करो यार इसे हटाने से, हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी है, प्लीज यार। अरे कहाँ लेके जा रहे हो आप, जानती है इन्हें? हाँ हाँ, ये हमारी हमारी बेटी है मीरा। यहाँ क्या कर रही है, क्या हुआ इन्हें? वो तो हम खेल खेल रहे थे, वो आप सब लोगों को तो पता ही होगा स्टैचू बोलने के बाद हम ऐसे ही रुक जाते हैं, वो खेल खेल रहे थे। हम यहाँ पे वहाँ आगे मोड़ पे थोड़ा सा काम था तो हमने इसे स्टैचू बोला। तो खेल की एकदम पक्की है, नियम कभी भी नहीं तोड़ती, इसलिए वो ऐसी खड़ी है। हाँ तो अब तो ठीक करो इसे। हाँ हाँ करते करते। मीरा मीरा चलो बेटा घर जाना है ना, चलो चलो। हे भगवान, लगता है ऑफिस छूट गया। मीरा हम हसीना मलिक बोल रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म हो गई? बैटरी सुबह से खेल रहे थे ना हम स्टैचू स्टैचू वाला, तो बैटरी खत्म हो गई, ऐसे ही उसकी वो आग लग गई फिर। अरे ऐसे खड़े खड़े आंखें खोल के कौन सोता है, और वो भी बीच रास्ते में। हम सोते हैं ऐसा। वैसे देखा जाए तो हमारे घर में सभी लोग ऐसे ही सोते हैं, सबको खानदानी बीमारी है ये। अरे आपको पता है हम तो एक दिन ना जैसे रसोई घर में रोटी बेलते बेलते सो गए, नहाते नहाते सो गए। ठीक है लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं, चलो। सर आपके उस अनजान मित्र का नाम अर्जुन तो नहीं था जिसका आप बात कर रहे थे? हाँ ऐसा ही कुछ बताया था हमारी धर्मपत्नी ने, हमारी धर्मपत्नी से ही वो मिला है। लेकिन क्या बनता है वो, अरे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताता है। उसने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई जो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। जैसे जैसे सर, क्या मतलब? जैसे हमें डायबिटीज है, ये बात हमारी धर्म पत्नी और हमारे अलावा किसी को भी पता नहीं है। अरे अरे अब कैसे बता दिया, सुनो किसी को बताना मत। हां नहीं 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 सर, नहीं बताएंगे। सर एक बात बताइए आप हमें, आपका धर्म पत्नी जो है वो मार्केट गई थी क्या? हाँ गई थी, वो तो रोज जाती है मार्केट। अच्छा रोज जाती है, करेले खरीदे थे क्या उन्होंने? हाँ भाई रोज मार्केट जाती है, रोज करेला खरीद के लाती है। सबको पता है जिसको डायबिटीज है उसको करेले का जूस पीना चाहिए, अच्छा होता है, सेहत के लिए बढ़िया होता है। वही ना सर, वही तो। माफ कीजिएगा लेकिन जब जिस घर में रोज करेले आ रहे हैं, करेले का जूस बन रहा है, करेले की सब्जी बन रही है, तो ये बात जानना कितना बड़ा बात है कि उस घर में एक डायबिटीज का पेशेंट है कि नहीं सर? और जितना हम जानते हैं आपके वाइफ और आपके अलावा तो आपके घर में और कोई रहता नहीं है, और मैडम को तो हम सभी देखते रहते हैं रसगुल्ले ठूसते हुए, तो आप ही बचे ना सर फिर। तो इसका मतलब अगर डायबिटीज का कोई पेशेंट आपके घर में है तो वो आप ही हो, ये तो मोहल्ले का बच्चा भी बता देगा सर। बात तो सही है, ये तो कोई भी जान सकता है कि हमें डायबिटीज है। वही हम बिना वजह घबरा रहे थे, यानी कि हमें कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं सर, कैसे हो सकता, आपको कैसे हो सकता है? डिपार्टमेंट का पूरा जिम्मेदारी है आप पे, हम सबकी दुआएं हैं सर आपके साथ। देखिए आप कितने तंदुरुस्त और कितने स्वस्थ हैं, कैसे आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, आप बताइए। अरे वाह करिश्मा सिंह, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। हसीना मलिक के साथ रहते रहते हसीना मलिक की जुबान भी बोलने लगी हो। सर उनका बात ही कुछ ऐसा है, उनका रंग सब पे चढ़ जाता है सर। हाँ तो ठीक है, इसी बात पे चंदू हलवाई के यहाँ से रसगुल्ले हो जाए। सर गलतफहमी दूर हुआ है, डायबिटीज नहीं। सर रसगुल्ला छोड़िए, आप पैसे खाइए ना। कौन? नहीं सर वो हम वो पैसे, हमारा दिमाग भरा जाता है कभी कभी, हम कुछ भी भूलने लगते हैं, नाश्ता नहीं किया ना हमने। हम ये कह रहे थे कि जब आपकी वाइफ वो ठग से मिली थी अर्जुन से, तो उसने कुछ पैसे वैसे मांगे थे आपकी वाइफ से? हाँ हाँ जैसा कि वाइफ ने बताया कि उसने मांगे नहीं थे, हमारी वाइफ ने दिए थे, हमारी प्राण रक्षा हेतु हवन कराने के लिए 50,000 दिए थे। पचास हजार सर?
सर। अच्छा कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम बेवकूफ बन गए? बड़ा वाला सर। नहीं ये अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए। अरे हम सीनियर हुए तो क्या हुआ, सत्यमेव जयते। ऐसे गुनाहगार को जल्द से जल्द पकड़ो, समाज में ऐसे आदमी को घूमना बहुत ही खतरनाक है, उसे डालिए जेल में। हम चलते हैं। जय हिंद सर, प्लीज मतलब जाइए। मैडम सर ये मत करवाया कीजिए हमसे, हमसे नहीं होता, हम फफल जाते हैं, समझ रही हैं। और ये इसकी ठगी हिम्मत तो देखो, डीएसपी सर को नहीं छोड़ा, पुलिस अधिकारी को, जब इनको नहीं छोड़ रहा है तो फिर आम आदमी को तो क्या ही छोड़ेगा, बताइए हमें। मैडम सर आप हमें परमिशन दीजिए, आप हमें, हम अभी जाते हैं, धड़पकड़ मचाते हैं और उसको घसीट के यहाँ लाते हैं। करिश्मा सिंह हम उसे ढूंढेंगे, लेकिन सारे सबूत के साथ, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन प्लीज फिलहाल आप अपना सारा फोकस मीरा को ढूंढने में निकालिए। कितनी बार कहें मैं आपसे, हमें मीरा चाहिए एट एनी कॉस्ट। जी जी मैडम सर। संतू जी हम लोग जो जादूगर है, उठाग है, जालसाज है, उसको यहाँ पर क्यों ढूंढने आए हैं? मतलब क्या गारंटी है कोई यहाँ पर मिलेगा? तुझे पता है ना बिल्लू जी और डीएसपी सर की वाइफ, उन दोनों को वो जो लुटेरा है, ये ठग है, वो यहीं पर टकराया था। और दो दो बार इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है उसकी वर्क और फंक्शनिंग इसी एरिया में आसपास कहीं हो। कहाँ जा रही है आप, कहाँ जा रही है संतू जी? अरे तो संतू जी तो मंदिर है, और जिसको हम ढूंढ रहे हैं ठग है, तांत्रिक थोड़ी जो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को। मुझे ढूंढ रहे हो? दोस्त, मित्र, बड़ी अर्जुन। तो आप हैं अर्जुन? बहुत सुना है आपके बारे में, वो एक्चुअली मेरी कॉमन फ्रेंड है, उसने बताया था आपके बारे में कि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानते हैं, प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। वैसे आपको कैसे पता चला कि हम लोग आपको ढूंढ रहे थे बाबा? इतना कुछ सुना है मेरे बारे में, फिर भी ये बेमानी सवाल? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम दोनों पुलिस वाले हो ना? रंगे हाथ पकड़ने आए हो? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने यही कहीं हमें देख लिया होगा, गूगल पे सर्च किया होगा, सोशल मीडिया से आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और बस उसी इन्फॉर्मेशन को अपना स्पेशल पावर बताकर हमारे सामने आ गए इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि आपकी बच्चों वाली ट्रिक में हम नहीं आएंगे। और इन सब में से अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो आप हमारा पुलिस वाला बेल्ट देख लिए होंगे, तभी पता चल गया होगा कि हम लोग पुलिस में। पब्लिक को ढकोसला बनाने का तरीका है आपका, और कुछ नहीं है। क्या करते हैं लोग यहाँ आते हैं भगवान के सामने अपना दुख दर्द बताने, अपनी बातें शेयर करते हैं, आप पीछे से उनकी बातें सुनते हैं और उन्हीं बातों का फायदा उठाकर उन्हीं के सामने आते हैं, वही इन्फॉर्मेशन देते हैं और उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है, इंसान हो ना, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखोगे भगवान के चमत्कार को भी नहीं मानोगे। ठीक है, देखना चाहोगे चमत्कार? तो अब मैं तुम दोनों से तीन सवाल पूछूंगा, जिन सवालों के जवाब तुम्हारे जवाब देने से पहले ही मैं अपनी पर्चियों में लिख लूंगा। तो फिर सवाल ही क्यों पूछोगे? गजब गजब संतुष्ट, देखते हैं ना क्या कह रहा है, देखते हैं, देख लेते हैं। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। तो मेरा पहला सवाल है तुमसे, एक से लेकर सौ के बीच में कोई भी एक नंबर अपने मन में सोचो। सोच लिया? बाप रे, आज ही आज ही आज ही सोचना है। सोच लिया? हाँ मैंने भी लिख लिया, देखते हैं मेरा जवाब तुम्हारे जवाब के साथ मैच होता है कि नहीं। ठीक है अब अपना जवाब बताओ। वन। कुछ अब भारी सोची है, बाद में देखते हैं कि मेरा जवाब तुम्हारे जवाब के साथ मैच होता है कि नहीं। ठीक है अब मेरा दूसरा सवाल तुमसे, पूरी दुनिया में अपनी सबसे फेवरेट जगह का नाम सोचो। सोच लिए? मैंने भी लिख लिया और ये पर्ची को यहां रख दिया। तो जगह का नाम बताओ। तिहार जेल। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल
तुमसे। किसी भी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसे तुम अपना आदर्श मानती हो। सोच लिया। मैंने भी लिख लिया। अब उस इंसान का नाम बताओ। हसीना मलिक। ठीक है, देखते हैं मेरे पूछे गए सवालों के तुमने जो जवाब दिए और मैंने जो जवाब लिखे वो मैच होते हैं कि नहीं। ठीक है, दिखाइए। तो ये है मेरे पूछे हुए पहले सवाल का जवाब। बहुत भारी था गेस करना ही तो। अब ये दूसरा जवाब। और ये तीसरा और आखिरी जवाब। ना पुलिस वाले हो या क्या हो तुम लोग, दिमाग से एकदम पैदल। क्या किया स्कूल में तुम लोगों ने, घास खोदा है क्या? पढ़ लिख नहीं सकते थे ना, मतलब एक ठग से तुम ठगकर आ गए। तुम ऐसे पुलिस वाले हो तुम? देखो ऐसा है कि ये जो शातिर ठग होते हैं ना, ये ऐसे ही अपने जान में फंसाते हैं ऐसे पागल बना के, जो तुम पागल बनकर आए हो यहाँ पे दोनों की दोनों। नहीं मैडम, वो राह चलता ठग नहीं है। हाँ। उसके पास जेन्युइनली स्पेशल पावर्स है। आप चीते से पूछिए, चीते बता। मैडम प्लीज समझिए हमारा बात, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो कोई जादूगर मायावी ऐसा इंसान था। तभी तो हमारे जवाब देने से पहले ही वो सारा जवाब पर्ची पर लिख के साइड में रख दिया था, है ना संतोष? हाँ। और यही तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हम जानते हैं। मैडम सर आप भी जादू जानती हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं आता हमें कोई जादू। नहीं मैडम, आप ये बताइए कि उन्हें कैसे पता चला कि हमारे मन में क्या चल रहा है? ये एक ट्रिक है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उसने तुम दोनों से एक सवाल किया, सवाल का जवाब उसने तुम्हारी आंखों के सामने एक पर्ची पर लिखा और उसे साइड में रख दिया। फिर उसने उसी सवाल का जवाब तुमसे मांगा और तुमने खुशी खुशी जवाब दे भी दिया, ये सोचकर कि जवाब तो पहले से पर्ची पर लिखा हुआ है, अब क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट? हाँ। फिर उसने किया तुमसे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल का जब वो जवाब तुम्हारी आंखों के सामने लिख रहा था, तब वो दूसरे सवाल का नहीं पहले सवाल का जवाब लिख रहा था। पहले सवाल का जवाब उसने लिखा पर्ची में, उसको साइड में कर दिया। फिर उसने तुमसे दूसरे सवाल का जवाब मांगा जो तुमने दोबारा खुशी खुशी बता दिया, ये सोचकर कि जवाब तो पहले से लिखा हुआ। अब उसने किया तुमसे तीसरा और आखिरी सवाल। उस तीसरे सवाल का जवाब लिखते वक्त वो तीसरे सवाल का नहीं दूसरे सवाल का जवाब लिख रहा था जो अभी अभी तुमने उसे बताया। उसने उसे लिखकर साइड में रख दिया। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि तीसरे सवाल का जवाब कहाँ गया और उसने कब लिखा। वो जवाब वो पहले से जानता था क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया हुआ था और ये वही जवाब है जो उसने सबसे पहली वाली पर्ची में लिखा था एज आंसर नंबर 3। तो जब तीनों पर्चियां तुम्हारी आंखों के सामने आई तो तुम्हें लगा कि इसने हमारे मन की सारी बात पढ़ ली, जबकि तीन सवालों में से सिर्फ एक सवाल का जवाब वो पहले से जानता था, दो जवाब तुम दोनों ने खुद उसे दिए थे। ब्रिलियंट। कौन, जादूगर के मैडम सर? मैडम सर ब्रिलियंट, मैडम सर ब्रिलियंट। माँ मैडम सर, ये किन काट के उन लोगों को भेज दिया आपने छानबीन करने के लिए? इनकी शक्लें देखो दोनों की, ये दोनों नहीं कर पाएंगे कभी भी, यही करते रह जाएंगे बस। हमें भेजा होता हम उस ठग का ना लेकर आते उसको यहाँ पर, उसको बताते उसके, उसको ठगते हम। और जो केस हमने आपको दिया था उसका क्या, मीरा के बारे में पता चला? कहाँ मीरा, मीरा मीरा जरूरी है क्या अभी? ये जरूरी है? ये ठग वो तो कबाड़ है, वो तो काय का जरूरी आ जाएगा ना वो अपने आप यहाँ पे। मैडम सर आप कहाँ मीरा मीरा कर रही हैं अभी? आप हमें परमिशन दीजिए, हमें जाना है, हमें उसको पकड़ के यहाँ लाना है और उसकी धुलाई करनी है। करिश्मा सिंह, डोंट क्रॉस योर लिमिट। हमने आपसे नहीं पूछा है कि थाने के लिए क्या सही और क्या गलत, हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए प्लीज अपने ओहदे और अपनी तमीज की हद में रहिए। सॉरी मैडम। Not
बस देखिए देखिए, इसका खुशी इतना बढ़ गया है कि खुशी के मारे रो रो के बिलख रहा है। ए बाबू, वो अर्जुन वाला जो तुमको टिकट दिया है उसको फाड़ के फेंक दो, कोई लॉटरी नहीं लगने वाला है। अरे फ्रॉड आदमी है वो, फ्रॉड पता है वो फ्रॉड है। पटो के पास, टका पास, धांधी पास, जितना भी बाज है सब उसके नाम के आगे लगा दो। ठग कहीं का, मुझे ठगा, बिल्लू को ठगा, और ये लॉटरी का टिकट सच्चा नहीं है, खिलौने का टिकट है, बच्चे खेलते ना। लॉटरी लॉटरी टोपा बना दिया मैडम, टोपा। मैडम जी, मैडम जी, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए मैडम जी, हम लूट गए, हम अपने आंगन की 30-40 फीट खुदाई कर डाले, लेकिन खजाना तो दूर की बात है, पुराना गड़ा हुआ डब्बा भी नहीं मिला, और ऊपर से हमारा खानदानी सोने का कंगन भी चला गया मैडम जी। मैडम सर, ये जो ठग है ना, ये लोगों के दिमाग के साथ नहीं, ये लोगों की भावनाओं के साथ भी खेल रहा है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? क्या अब भी आप हमें रोकेंगी इसे पकड़ने से? लेकर आइए, हम परमिशन देते हैं। चलो थाने, तुमसे कुछ बात करनी है। वारंट है आपके पास। हमने कहा ना, हमें तुमसे कुछ बात करना है। और अगर मैं ना कहूं तो? तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम हमको ना कहोगे? हाँ, बहुत शौक है तुमको लोगों को भविष्य बताने का ना, तब करिश्मा सिंह तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताएगी। सुनो, शराफत से 2 मिनट के अंदर अगर हमारे बाइक पे नहीं बैठे ना, तो वो हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के किसी बेड पर अपनी हड्डियां जुड़वा रहे होगे, और जो वहाँ के डॉक्टर्स होंगे ना, वो भी भौरा जाएंगे कि करे तो करे का, इसकी हड्डियां जोड़े या हड्डियों को तोड़ कर दोबारा लगाए, समझे? लगता है फिल्में बहुत देखती हैं आप मैडम, लेकिन अफसोस ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में एक आम आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, इसलिए पहले अपराध बताइए फिर हाथ लगाइए। बहुत बढ़िया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, क्या करते हो मासूम लोगों के साथ? हाँ, उनके दिमाग के साथ खेलते हो, उनके दिल के साथ खेलते हो, शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को ठगते हो, मासूम लोगों को ठगते हो, और हमसे अपराध पूछ रहे हो। मैंने किसे ठगा है मैडम? मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, जिसने भी दिया है, जो भी दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। अब किसी की मदद हुई, किसी की नहीं हुई, अब इसे आप धोखाधड़ी थोड़ी कह सकती हैं। अब किसी की मदद करना कोई अपराध है भला? भैया ओ कहां, देखो ऐसा है कि भविष्य का वास्तविक रूपांतरण होने का समय अब आया है, तुम कहां भागे जा रहे हो? हां चलो चलो थाने हमारे साथ। बंदर उतरो, चलो थाने। चलो चलिए थाने, चलिए, कमाल है, एक अपराधी दूसरे अपराधी को थाने लेकर जा रहा है और देश का कानून सो रहा है। क्या बोले तुम, अपराधी? थाने चलिए, वहां चलकर मैं सबको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी SHO हसीना मलिक को
कि कितना बड़ा धोखा दे रही हैं आप सबको, सबके साथ विश्वासघात कर रही हैं। मैं जानता हूं आपने किसे गायब किया है, और ये भी जानता हूं कि इस काम में आप अकेली नहीं हैं। आप ही के थाने का एक और मेंबर आपका साथ दे रहा है। अम्मा, इसे कैसे पता चला कि हम और पुष्पा जी उस टीन के डब्बे मीरा को ठिकाने लगाने का कोशिश कर रहे हैं? तो ज्ञान की बात यह है मैडम कि आप अगर मुझे थाने ले भी गई तो मेरा तो पता नहीं, मैं तो शायद छूट भी जाऊं, लेकिन आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगी और फिर आपका करियर खत्म, दी एंड, फुल स्टॉप, बर्बाद, जेल। वाह रे तेरी दुनिया, वाह रे तेरा खेल। माइंड रीडर है करिश्मा मैडम का, एक उल्टा हाथ पड़ा होगा और दिमाग का सारा कचरा निकल गया होगा। है दिखाओ गंदी सी दिमाग वाली ट्रिक, दिखाओ जिससे लोगों को पागल बनाते, खुद को चीते, बहुत बड़ा गेमर समझते हैं। हिम्मत है, निकल के दिखाओ। चलो हवा हूँ मैडम, ये सलाखें मुझे क्या बांधेंगी, फुर्र से उड़ जाऊंगा और सब देखते रह जाएंगे। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा, मैं सबके सामने आपका राज खोल दूंगा, बता दूंगा सबको कि आप कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं। तुम सब मुझे बहुत बड़ा चीटर समझते हो ना? अरे असली चीटर तो तुम्हारी ये मैडम है, बहुत बड़ी धोखेबाज है ये, सबको धोखा दे रही है। कोई माने या ना माने, इन्हें पता है मैं सबका दिमाग पढ़ सकता हूँ और किसी के बारे में कुछ भी जान सकता हूँ, और इनके बारे में भी मैंने सब कुछ जान लिया है। देखो भैया, ऐसा है, ये जो तुम्हारा ठग का धंधा है ना, इसमें किस्मत का बहुत बड़ा भूमिका होता है, समझो हमारी बात को। पर एक बात बताएं तुमको, ये किस्मत जो होता है ना, बहुत बेवफा टाइप का नेचर होता है उसका, समझ लो, कभी किसी एक का नहीं हो पाता है, और जब उसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है ना, तभी धोखा देता है। जैसे अभी अभी तुमको तुम्हारी किस्मत का कितना जरूरत है, हा? लेकिन दे दिया ना धोखा, फंस गए तुम करिश्मा सिंह के झांसे में। अब कहां जाओगे यहां से, कहां जाओगे, या तो जेल में रहोगे या सीधा शमशान जाओगे। तो जो उखाड़ सकते हो ना, उखाड़ लो, तुम्हारी ये टटपुंजी धमकियों में आने वाला चीज नहीं है। ठीक है, तो फिर बुलाओ अपनी सीनियर ऑफिसर को, जिसकी आंखों में तुम सरेआम धूल झोंक रही हो। मैं बताऊंगा उन्हें कि उनके पीठ पीछे इस पुलिस थाने में क्या चल रहा है। बुलाओ भैया मैडम सर को, बुलाओ, तड़प रहे हैं ये मैडम सर से मिलने के लिए। हाँ संतु, बुलाओ। ऐसे कहाँ देख रहा है? बहुत चाहते हो ना तुम इस संतोष शर्मा को? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बाबू, मैंने इसका दिमाग पढ़ा है, ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। क्या बोला रे तुम, क्या बोला हा? बाबू भी शुक्र मनाओ कि तुम जेल में हैं और हम वर्दी में, तो कोई भी बाहर वाला अगर संतु जी के बारे में इतना सा भी कुछ बोला होता ना, तो मैयत सजा दिए होते उसका, अर्थी बिछा देते तुम्हारा यहाँ। इससे बच गया ना तो ये बिल्लू चंपत अपना खोपड़ा तेरे खोपड़े पे मार मार के तेरा खोपड़ा फोड़ देगा। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या बात है, आप इस तरह से रास्ते के बीच में? कुछ जरूरी बात करना था मैडम सर आपसे। हाँ तो फोन पे भी तो बात कर सकते थे। फोन पे होने वाला बात नहीं है मैडम सर, थोड़ा जरूरी है इसलिए अभी करना है। ठीक है, हम भी थाने जा रहे हैं, चल के बात करते हैं। नहीं मैडम सर, आप थाने जाएंगे, आपको थाने जाकर किसी और के मुंह से बात पता चले, इसलिए हम खुद आपको बताएंगे। करिश्मा सिंह, आप किसको कूट दिया आपने? इस बार कूटा नहीं है मैडम सर, इस बार मीरा को हमने गायब किया मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, ये बहुत ही गंदा मजाक है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि मीरा सिर्फ
हमारे कमांड सुनती है तो फिर आप उसे गायब कैसे कर सकती हैं? पुष्पा जी के पास टैलेंट है ना मैडम सर, आपका हुबहू आवाज निकाल लेती है। तो हमारे कहने पर पुष्पा जी ने आपका हुबहू आवाज निकाला, उसको कमांड दिया, मीरा ने मान लिया और गायब। क्या मुसीबत है, अपना चार्जर साथ में लेकर नहीं घूम सकती थी? अब देखो हम भी तो हमारे मोबाइल का चार्जर साथ लेकर घूमते हैं ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। और ये महारानी है कि कैसे करेंगे चार्ज तुमको। ठीक है कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। अभी लाते तुम्हारे लिए खाना। क्या आपने और पुष्पा जी ने आपका साथ दिया है सब में? नहीं लेकिन उनका गलती नहीं है मैडम सर, वो मजबूर है, उनको हमने मजबूर किया था ये सब करने के लिए। आप जानती हैं आपने क्या कर दिया है करिश्मा सिंह? अगर डिपार्टमेंट को इस बात की भनक भी लग गई कि ऐसा कुछ हुआ है तो जानती है कितना बड़ा बवाल खड़ा होगा। एक मिनट में थाने पर ताला लग जाएगा और हम सबको फोर्स से निकाल दिया जाएगा और फिर जिंदगी भर हम सबको इस शर्मिंदगी के साथ जीना होगा कि हमें फोर्स से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि हमने अपनी वर्दी अपने फर्ज को धोखा दिया है और जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हुए हैं। जिम्मेदारी ये? हाँ मैडम सर, ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये तकनीकी विकास के नाम पर पागलपन है, अंधा पागलपन जो हमारी इंसानियत को ना ऐसा खा जाएगा, बता रहे हैं हम आपको। और वो दिन दूर नहीं है जब ये मशीन जो है ना वो हमारे भविष्य पर पैर रखकर खड़ा होकर ना हंस रहा होगा और हम बस बेबस होके ऐसे ऐसे तमाशा देख रहे होंगे। नहीं नहीं मैडम सर, हमसे नहीं हो पाएगा ये, हम अपने इंसानियत को खाते हुए उसको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। करिश्मा सिंह एक ही बात हमें आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी, हम कितनी बार ये सेम डिस्कशन करेंगे। वो एक मशीन है जिसे डिपार्टमेंट ने हमारी जिम्मेदारी पर यहाँ भेजा है, जिसे निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। ये देखो हम क्या लेकर आए हैं तुम्हारे लिए खाना। ये देखो कहाँ से चार्ज करें तुमको। अरे अरे अम्मा कहाँ से चार्ज होती हो तुम? लगता है ये करंट ना तुम्हें कम पड़ रहा है। रुको हम तुम्हें सीधा करंट मारते हैं। ये देखो अब हम तुम्हें ऐसे करंट देंगे। और क्या करेंगे आप करिश्मा सिंह? आप एक मीरा को फेंक देंगे डिपार्टमेंट, दूसरी मीरा भेज देगा, तीसरी मीरा भेज देगा, कितनों को फेंकेंगे आप? जब तक टीम के डब्बे भेजते रहेगा हम सारे टीम के डब्बों को गायब कर देंगे। आप इतना चिंता काहे कर रही हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब किसी को कैसे पता चलेगा कि हमने उसको गायब कर दिया है? हमने करिश्मा सिंह ऐसी गैर जिम्मेदाराना और ऐसी गैर कानूनी हरकत हम कभी नहीं कर सकते, तो इस हमने में हमें इंक्लूड मत करिए। बेहतर होगा कि आप हमें बता दें कि आपने और पुष्पा जी ने मीरा को कहां छुपा रखा है, वरना मजबूरन हमें डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा और फिर वो अपने तरीके से मीरा को ढूंढ ही लेंगे। आप एक मशीन के लिए हमारे खिलाफ जाएंगे मैडम सर? हम अपने उसूलों के लिए किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं करिश्मा सिंह, जो गलत है वो गलत है फिर चाहे किसी ने भी किया हो। बोलो क्या होता है पुष्पा जी, बोलिए, हम सीनियर हैं आपके, तमीज से बात कीजिए हमसे। हाँ ये तमीज वमीज जो है ना वो सब गई भाड़ में, आपको जरा तो शर्म आनी चाहिए थी, इस उम्र में अपनी सास से ये सब काम करवाते हुए खुद क्यों नहीं किया? हमारी बात तो सुन लीजिए पुष्पा जी, हमारा प्लान कैंसिल। क्या जी? पुष्पा जी प्लान कैंसिल हो गया, आप समझिए हमारी बात को, आपको कुछ नहीं करना है,
सुबह से अन्न का दाना तक नहीं है हमारे पेट में और आप कह रही है अन्न कैंसिल हो गया और ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? हाँ मैडम सर को सब पता चल गया पुष्पा जी। हाँ हाँ मैडम सर को सब पता चल गया है हाँ? इतनी आसानी से आपके झांसे में नहीं आने वाले। माँ क्या गोलगप्पा खाते खाते दिमाग गोलगप्पा हो गया क्या आपका? क्या कह रहे हैं हम आपसे? मैडम सर को सच पता चल गया है, दिमाग किधर है आपका? समझिए आप गंभीरता को। फोन स्पीकर पर मैडम सर सब सुन रही है। अच्छा एक और झूठ, एक और प्रपंच। पुष्पा जी ये मजाक नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा ये मजाक नहीं है पुष्पा जी, हम सब कुछ जान चुके हैं। हमने मैडम सर की आवाज निकालकर जैसे मीरा मैडम को उल्लू बनाया। आप हमें मैडम सर की आवाज निकालकर डरा रही है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है। पुष्पा जी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, हम हसीना मलिक ही बोल रहे हैं। हाँ तो हम भी प्रियंका चोपड़ा बोल रहे हैं। पुष्पा जी आप क्या बोल रही हैं? दादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए, हम सांस है आपकी, समझ गई ना? आप हमें वीडियो कॉल कीजिए, अब देखते हैं। हाँ जी हो गई तसल्ली। फौरन मीरा को लेकर थाने आई, और फौरन का मतलब जानती है ना? जी जी मैडम सर, हम फौरन मीरा मैडम को लेकर आते हैं। अरे यार कोई चाय तो पिला दो। हाँ तुम्हारा मौसी का हॉटेल है ना। अरे यार कोई तो चाय तो पिला दो। चल चाय पी के आते। हाँ संतु जी मेरे लिए भी एक ला दो ना। अभी लौटे और इसके लिए भी लेकर आएंगे, नेवला का जहर डलवा के। हाँ डेंजरस वाला लाना। आई संतु जी आई आई। मैं भी तो यही चाहता था। क्या चाहते थे तुम? तुम्हें भी यही लगता ना कि मैं एक ठग हूं? ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत लॉटरी का टिकट दिया क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक चोर हो और मैं एक चोर की मदद कभी नहीं कर सकता। चल बे हेपड़ी की, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला और मुझे पता है तुम्हारे पास पावर वावर कुछ नहीं है। मैं अभी के अभी साबित कर सकता हूँ कि तुम गलत हो। अच्छा मेरे पास पावर है और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं अभी के अभी तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितने तुम कहोगे। मंजूर है। क्या करना है? ये ताश की गड्डी है, इस गड्डी में से कोई भी तीन पत्ते मोड़ दो और मैं तुम्हें बिना देखे बता दूंगा कि वो पत्ते कौन से हैं। ठीक है। तीनों पत्ते ध्यान से निकालना। हाँ। क्योंकि यही वो तीनों पत्ते हैं जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला। पहला मोड़ दिया, दूसरा मोड़ा, दूसरा भी मोड़ दिया, तीसरा मोड़ा, ये तीसरा भी मोड़ दिया। बताओ तू अंदर क्या कर रहे हो? तू बाहर में अंदर तेरी तुम्हें कैसा लगा मेरा चमत्कार बिल्लू चंपत? मैं तुम्हारा पत्ता काट दूंगा, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। चीता संतोष ये देखो अर्जुन भाग रहा है, पकड़ो इसको। चीता संतोष जल्दी आओ। दिखा दिया ना बाहर निकल कर, हम चार बाग के लड़कों को कभी चैलेंज मत करना, दिल पे ले लेते हैं। चीते चल। अरे कैसर इसको पुलिस में भर्ती किया। बिल्ले ठग किधर है? ठग किधर है? भाग गया। तुम्हारी तो भाग गया, मतलब कैसे भाग गया? तुम्हारे होते हुए कैसे भाग गया? मैडम सर की कैसे भागा? मैडम सर 2 सेकंड के लिए हम और संतु जी बदबुआ का जहर पीने गए थे, तब तक ही बिलोटा का आवाज आया, हम लोग जैसे अंदर आए ना मैडम सर, हमको यहाँ पर टेबल पर लड़ा दिया, हमारे सर पे सूरज निकाल दिया। संतु जी फूंक दीजिए थोड़ा। अब सर मुझे लगा कि मैं ही बड़ा चोर हूँ, साथी ठग हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं, लेकिन ये तो मेरा फूफा निकला, दोनों बाहर घिस कर चला गया, बिल्लू पर लालच है, मुझे डूब मरना चाहिए। करिश्मा मैडम मारिए मुझे, मारिए। भाई ये सच में मार दिया? अरे बढ़िया हुआ गोली मारने को नहीं कहा। एक काम दिया था वो ठीक से नहीं हुआ तुमसे, तुमको चाय पीने की पड़ी थी। और तुम एक काम करो, तुम भी भागो अब यहाँ से। हाँ भागो, जाओ निकलो यहाँ से तुम भी।
अब ये ठग हमारे हाथ से नहीं बचेगा। पर कैसे मैडम सर, अब तक तो उसे समझ गया होगा कि हम उसके पीछे आने वाले और वो अंडरग्राउंड हो गया होगा, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तजुर्बा कहता है हमारा, इंसान अपनी सूरत बदल सकता है अपनी सीरत नहीं, अपना किरदार बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं। और अब इस ठग की फितरत ही हमें उस तक पहुंचाएगी, अब हम उसे उसी के तरीके से पकड़ेंगे। माहिर है तू अपने हुनर का तो क्या, कुछ अदाकारी हम भी अपने तजुर्बे की रखते हैं। अपना भूत भविष्य सब कुछ जानिए, मन की शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन, अपना भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानिए, सबका समाधान मिलेगा नारी चमत्कारों वाली से। अरे कुछ भी पूछे, कुछ भी जानिए, इच्छा हो जाएगी पूरी तो फिर मानिए नारी चमत्कारों वाली क्रिस्टल लेडी। कोई शक ना हो पूरा काम उसको मिलेगा 1,00,000 रुपए नगद इनाम क्रिस्टल लेडी की तरफ से, शुल्क मात्र 1,000 रुपए। आपका अलग है क्या भाई साहब? क्या वो बता सकते हैं मेरी शादी कब होगी? ये शक्ल बदल सकते हो? नहीं। तो फिर इस जन्म में तो मुश्किल है, ये तो योगा से भी नहीं होगा। जाओ कल आना, आना जरूर लेकिन बड़ा आया शादी दूचरे। ना हो पूरा काम उसको मिलेगा 1,00,000 रुपए नगद इनाम। इकबाल अरे चलना कुछ खाते है। हाँ लेकिन किसकी दुकान पे चल रहा, सुनिए खाएंगे जरा। हाँ 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 शुक्रिया, चले शमशाद भाई। हाँ चलो ये भी पढ़ लो। मन की शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन, अपना भूत वर्तमान भविष्य जानिए, शुल्क मात्र 1,000 रुपए, अगर बात गलत निकली तो 1,00,000 रुपए की वापसी। गजब गजब संतु जी, एक साथ कितना ज्यादा कैमरा लगा दिया। जहाँ जहाँ बैठने की जगह उसके सामने कैमरा लगा दिया, क्या पता कहीं भी बैठ जाए वो। लेकिन संतु जी आपको लगता है वो ठग आएगा? हाँ हाँ बिलू जी डेफिनेटली आएगा, क्योंकि क्या है ना, ये ईगो नाम की जो बीमारी है ना बहुत ही खतरनाक होती है, एक बार अगर किसी को लग गई ना तो समझो वो गया। इंसान की जितनी भी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस होती है ना ये ईगो खा जाता है, और मैडम सर ने उसको ओपनली चैलेंज नहीं दिया, उसके ईगो को ललकारा है, तो वो डेफिनेटली आएगा। ओ ईगो से कम होगा वो, वेरी नाइस। नहीं लेकिन अभी तक तो आना चाहिए था उसको, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है वो। हेलो, आप सबका स्वागत है, मैं हूं क्रिस्टल लेडी, आपके दिमाग की सबसे करीबी दोस्त, आपके दिमाग का सबसे अहम हिस्सा। मैं आप सबके बारे में उतना ही जानती हूं जितना आप खुद के बारे में जानते हैं, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा, मैं आप सबके सारे राज जानती हूं, इसलिए बिना किसी डर के बिना किसी झिझक के मुझसे खुलकर बात करिए, अपनी समस्याओं का हल निकालिए और इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। तो अब हम एक एक करके आप सबके प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे,
यहां तो सबसे पहले आप हम आई फॉलो मी क्या बात है बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हैं क्या सच में आप में लोगों का दिमाग पढ़ लेने की पावर है हम जानते हैं कि इन शक्तियों पर विश्वास करना इतना आसान नहीं वो क्या है ना कि ठगों ने जालसाजों ने इस शक्ति का इतना मिसयूज किया है कि इस पर आसानी से भरोसा नहीं होता लेकिन हम अभी साबित कर देंगे कि हमारी पावर कितनी सच्ची है रेडी हाँ रेडी रेडी तो अब अपने मन में एक जियोमेट्रिकल शेप के बारे में सोचो जी काउंटरमेट्रिकल जियोमेट्रिकल शेप बस वो रेक्टेंगल या स्क्वायर जितना आसान नहीं होना चाहिए सोच लिया हाँ सोच लिया वेरी गुड अब इस शेप के अंदर अपने सोचे हुए शेप के बारे में सोचो सोच लिया हाँ सोच लिया सोच लिया क्या तुमने एक ट्रायंगल के बारे में सोचा हाँ क्या 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 अरे हमने हमने ट्रायंगल के बारे में सोचा था अरे चमत्कार हो गया सही सही हमने यही सोचा था जय हो एक देवता है ये आरसन जी माफ कीजिए हमें नहीं लगता कि ये कोई माइंड रीडिंग पावर है दिस इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी दिमाग का खेल है मनोविज्ञान और ऐसा खेल सड़क पर बच्चे बच्चे दिखाते हैं आजकल वो कैसे देखिए बहुत ही आसान है अभी इन मैडम ने इनसे क्या कहा कि अपने दिमाग में कोई भी जियोमेट्रिकल शेप के बारे में सोचिए लेकिन वो शेप स्क्वायर और रेक्टेंगल जितना आसान नहीं होना चाहिए हैं? और बाद में इन्होंने हवा में एक सर्कल बनाकर सर्कल का ऑप्शन भी आउट कर दिया तो अब ज्यादा शेप तो बचे नहीं ना और ऐसे वक्त पर कोई भी आम इंसान कोई आसान सा शेप सोचता है जैसे कि ट्राइंगल और आप तो आम इंसान है तो आपने भी कह दिया ट्राइंगल मैडम ने भी कह दिया ट्राइंगल ये कोई माइंड रीडिंग पावर नहीं है सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है और आप सबको बेवकूफ बना रही हैं मैडम और हमने सबके सामने आपको गलत प्रूव कर दिया हम जीत गए आप हार गई लाइए हमारे 1,00,000 रुपए हमें आपका सर्कस देखने का कोई शौक नहीं यही अर्जुन है पकड़ो इसको नहीं 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 बिलू जी जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कर सकते एक मिनट इतनी भी क्या जल्दी हमारे तर्कश में सिर्फ एक तीर थोड़ी ना है और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं हमारी असली शक्ति है आई इंसिस्ट प्लीज तो अब कौन सा पैंतरा आजमाएंगे आप अपने झूठ को सच साबित करने के लिए तुम जानते नहीं हो लेकिन हमने तुम्हारा चेहरा देखकर ही तुम्हारा पूरा पास्ट जान लिया है ठीक है तो आप ये बताइए कि हमारी सबसे फेवरेट या पसंदीदा डिश कौन सी है छोले भटूरे कमाल का तुक्का था आपका जो कि इत्तफाक से लग गया ठीक है अब हमारे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे सबसे खास दोस्त का नाम क्या है मनोज 18 साल की उम्र में तुमने अपने पिता को खो दिया साइकोलॉजी पढ़ना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ नहीं पाए बहुत जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी कोई नौकरी तुम्हें पसंद नहीं आई किसी नौकरी को तुम पसंद नहीं आए छोटे मोटे बड़े सारे काम किए यहां तक कि डिलीवरी बॉय तक का भी काम किया इम्पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है अब ये मत कहिएगा कि ये कोई माइंड रीडिंग पावर है ठीक है नहीं कहते क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है
आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? हम बताते हैं। उसी ने बताया जिसने ये सब झेला है तुम्हारे साथ। आइए अर्जुन। हमारे सबसे खास दोस्त का नाम क्या है? अभी बताते हैं। आपके बेटे के पक्के दोस्त का नाम क्या है? वो होता ना एकदम जिगरी दोस्त, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, वैसी दोस्ती। अरे वही अबारा मनोज, वही तो है उसका पक्का दोस्त। धन्यवाद मैडम सर, मनोज नाम है मनोज। लेकिन आप मेरी माँ तक कैसे पहुंचे? तुम्हें क्या लगा तुम बस अकेले स्मार्ट हो? और भी है। बस आप कदर नहीं करती हैं संतु जी। तुम ही ने बताया था तुम्हारे बारे में। मैंने? बिल्कुल। दिखा दिया ना बाहर निकल कर। हम चार बाग के लड़कों को कभी चैलेंज मत करना, दिल पे ले लेते हैं। चार बाग में तुम्हें और तुम्हारी माता जी को ढूंढना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। और एक सेकंड, वो जाते जाते आप क्या बोल कर गए थे कि चार बाग के लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहिए? तो आप भी सुन लीजिए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से भी कभी पंगा मत लेना, क्योंकि अपनी पर आ जाए ना तो यमराज से भी उसकी कुंडली निकाल लेंगे। तो आप तो चीज ही क्या है। अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ? चलो अर्जुन, मैं तुम्हें तुम्हारा प्रेजिडेंट प्रेजेंट करता हूँ, लॉकअप साफ करवाऊंगा तुमसे। देखो भैया, ऐसा है कि सारी बात का लबो लुआब ये है कि आपने आज तक सबका फ्यूचर बताया, लेकिन खुद का फ्यूचर देखना आप भूल गए। वो हम आपको बताएंगे। तुम्हारा फ्यूचर है जेल। नहीं करिश्मा सिंह, हमने इसके लिए कुछ और ही भविष्य सोचा है। तुमने जितने भी लोगों का जो कुछ भी लूटा है, जितना हो सके उन्हें लौटा दो, और अपने इस इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल कर लोगों को एंटरटेन करने में, ना कि उन्हें ठगने में। तजुर्बा कहता है हमारा, हर हुनर का आसमान तय होता है, बस जरूरत होती है तो शिद्दत से उसे ढूंढने की। अपना अच्छा हुनर जाया मत होने दो। ऑल द बेस्ट। मैं वादा करता हूं मैडम, अब से अपने टैलेंट को सही दिशा में इस्तेमाल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और एक और मौका देने के लिए। आप सबके लिए इतना तो बनता ही है। जी, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है हमारे पास। मतलब आपका रिश्ता पक्का हो गया है? गजब मैडम सर, मुबारक हो। एसएएफ के फाउंडर कैप्टन बत्रा आप सबसे बात करना चाहते हैं। मतलब हम सब एसएएफ जा रहे हैं? कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं मैडम सर। इजी इजी, ना हम जा रहे हैं ना वो आ रहे हैं, हम उनसे वीडियो कॉल पर बात करने वाले हैं। ओके, आइए आइए आइए। पीछे पीछे। हेलो एवरीवन, जय हिंद। जय हिंद सर। सर ये हमारी टीम है, एक छोटा सा तारुफ करा देते हैं सभी से। आप जैसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है देश के लिए कुछ और अच्छा करने की। दैट्स वेरी गुड। मुझे एक्चुअली बहुत खुशी होती है ये देखकर कि आप जैसे युवा लोग सब देश को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। आप जैसे लोगों के हाथ में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। बाहर से आने वाले दुश्मनों के साथ तो हम लड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, देश में दीमक लगा रहे हैं, आप लोग उनसे निपटने के लिए फिजिकली एकदम फिट हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप लोगों की मदद करने के लिए हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है, हैशटैग घर घर में सोल्जर, ताकि सिविलियंस भी अपनी और अपने देशवासियों की जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार रहें। हमारी तैयारी ही हमारे देश की मजबूती है, और आप जैसी युवा महिला अफसरों को देखकर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एंड हमें एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए मिलते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। एंड बाय द वे, हमने पराक्रम एसएएफ एकेडमी में एक जलसा रखा है, तो
आप लोगों का मेरा पर्सनल इनविटेशन है, आप सब लोग आए, प्लीज आए और हमारे जलसे की शोभा बढ़ाएं। सर हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हम सब एक साथ। Yes, of course, I do understand. आप सब लोग थाने को ताला लगाकर तो आ नहीं सकती, तो एक काम कीजिए, आप जैसे भी ठीक समझें उस कैडेट को हमारे यहाँ भेजें, ताकि वो हमारे लोगों को भी इंस्पायर कर सके। आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। जी सर, हम कोशिश करेंगे कि हम में से कोई एक उस कार्यक्रम में जरूर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट मिशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। क्या हो गया तुम दोनों को? नहीं मतलब, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा। अब मैडम सर, मुझे ऐसा लगता है कि करिश्मा मैडम को जाना चाहिए। परफेक्ट। कहाँ जा सकते हैं? बत्रा के कार्यक्रम में, हमारे थाने की तरफ से। मैडम सर, थाने के एसएचओ तो आप हैं, आपको जाना चाहिए। हम हाँ, लेकिन करिश्मा सिंह, हम चाहते हैं कि आप जाएं, एंड दैट्स फाइनल। पर मैडम, करिश्मा सिंह, इट्स एन ऑर्डर। जी, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। डिसमिस। तो भाई साहब, ओ दो दिन से देख रहा हूँ आप अपना चेहरा घूंघट में, मतलब घुटने में छुपा के बैठे हो। क्यों ना बोल रहे हो, ना हंस रहे हो, ना खेल रहे हो, ना कूद रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना सुबह वहाँ जा रहे हो, क्या बात है? देखो, चोरी के केस में अंदर आए हो, टेंशन मत लो, मुझे देखो, मैं खानदानी चोर हूँ। मैं गोल्ड मेडलिस्ट चोर था, पता है, मतलब एक का गोल्ड मेडल चुरा लिया था, उस हिसाब से मैं गोल्ड मेडलिस्ट। तुम भी सुधर जाओ, चाय बिस्कुट खा लो, चलो फटाफट। चीते सुन, चीते सुन ना। संतोष जी चुप हो जाइए, हम है ना, क्यों रो रही हैं? क्या कर रहा है, खुद को क्यों मार रहा है? चीते सुन, तुझे कोई आवाज आ रही है क्या? संतोष जी, हाँ, आमतौर पर तो हमको आपके धड़कन के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन हाँ, अभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही है हमको संतोष जी, है ना? हाँ। मैडम सर की केबिन से आवाज आ रही रोने की। अरे मैडम सर, जब अपने केबिन में है ही नहीं टकले राक्षस, उधर से आवाज कैसे आएगा? है ना संतोष जी? संतोष इधर इधर इधर। चीते चीते एक बार जाके चेक करना। हम? हाँ, तो और कौन मर्द है? बिल्ला। तू नहीं है? हाँ हम है, तो थोड़े से थोड़ा सा मर्द है। हाँ मतलब सिचुएशन के हिसाब से है ना, कि कितना मर्द अंदर रखना है, कितना बाहर निकालना है, तो अभी थोड़े से मर्द हैं हम संतु जी। ए, थोड़ा सा मर्द ज्यादा लेडी जाना। हाँ, हाँ जा रहे। संतु जी, संतु जी सुनिए ना, अभी हमारे साथ चलिए ना। अरे भूत से पहले तो ये चंडाल हार्ट अटैक दे देगा हम लोग को संतु जी। संतु जी, संतु जी, हमको तो कोई भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दिया कुछ की कहां से आवाज आ रहा है? नहीं, क्या हो रहा है? क्या है? क्या टोका है? क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप दोनों यहां पर? मैडम, किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है और बहुत ही अजीब ढंग से रो रही है वो। क्या? हां मैडम, बहुत ज्यादा अजीब ढंग से रो रही है, बहुत ज्यादा। संतु जी करके दिखाइए, करके दिखाइए कैसे रो रही है। ऐसे रो रही थी।
ऐसे ये मस्त रो रही है से मैं ही रो रही थी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, औरत रो रही थी, हमको तो सुनाई नहीं आया। अच्छा सुनिए, हम जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमें सैफ पहुंचने में लेट नहीं होना है। थाना आप दोनों को संभालना, और हाँ हमें कोई चूरनगिरी नहीं चाहिए। कहाँ नहीं चाहिए? चूरनगिरी। चलिए काम पे लगिए। चलिए चलिए संतोष जी। चिल्लाई क्यों? आप चिल्लाई इसलिए हम भी चिल्ला दिए। आप क्यों चिल्लाई? तुम मेरे पैर पे पैर रख के खड़ा। सॉरी सॉरी संतोष जी। चलिए 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 चलिए। कई सारी ये पुलिस वाला खुद के पैर पे कब खड़ा होगा? ये बाला वो। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू बाला। वो महिला पुलिस थाने से कोई आया क्या? हेलो सर, करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग। हेलो, वेलकम वेलकम टू पराक्रम एसएफ। धन्यवाद। आपका थाना तो बड़ी न्यूज में रहता है आजकल। मतलब ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं आप लोग। मायसेल्फ बाला, शैतान का साला, अरेंज कर लो मुझे। टोपा है का? आराम से बता नहीं सकते जी। बाला, इनको कोयल मैडम के पास अंदर ले जाओ। बाय द वे, कोयल हमारी कैडेट हैं और वो इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही हैं। आई एम श्योर शी विल टेक गुड केयर ऑफ यू। जी धन्यवाद। आइए चलिए। अरे इसी दिन के लिए तो जन्म लिया था मैंने। अब काम ही ऐसा है अम्मी, कभी कभार लेट हो जाता है, क्या करें, बस पहुंच ही रहे। ठीक, आपने खाना खाया? हो सकता है संतू जी, ऐसा हो सकता है ना कि बाहर दरवाजे के बीच में किसी औरत का उंगली आ गया हो, इस वजह से वो रो रही हो, और जब उसका उंगली निकल गया हो वापस चली गई हो, ऐसा हो सकता है ना। चीते पर दरवाजे पर उंगली आने पर ऐसे कौन रोता है? संतू जी, संतू जी, आप डरिए मत, डरिए मत। I'm here, believe the spy here. कोई भी भूत है, चुड़ैल आए, इससे डर कर तो भागी जाएगी। मैं इसका शक्ल देखिए संतू जी, ऐसा भूषण दम पिशाच इंसान को देखकर तो किसी भी चुड़ैल का हार्ट अटैक आ जाएगा संतू जी, बात समझिए। अभी ना यहाँ पर निकल कर छाती चौड़ा करके भाषण दे रहा है। जिस समय आवाज आ रहा था ना, जेल के बाहर भी नहीं निकला, याद है ना आपको संतू जी, अभी बोल रहा है। और वैसे भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं संतू जी, हम है ना। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। होता है। आप कौन? शाजिया, बेगम शाजिया। बेगम शाजिया, आदाब। ये लालटेन क्यों? हमारे इलाके में बिजली नहीं थी इसीलिए। पर यहाँ पर तो है ना। हाँ। बुझा दीजिए। हाँ। और चली गई तो? वैसे आप गलत थे, रोए होती है। और आपको कैसे पता? क्योंकि मैं खुद एक रूह हूं।
आप भी एक रूह है। हाँ। आप और आप भी। हम सब रूहें तो हैं। रूहों के बगैर हमारा क्या मायना। बेगम साजिया तो फिलोसोफर भी है। वैसे का सेवा कर सकते हैं हम लोग आपका रूह बेगम साजिया जी। फरियाद लिखवानी है हमें। बैठिए। वैसे आप दिन में भी आ सकती थी। आपका मिट्टी का तेल बच जाता। रे रे ना ना ना। हम सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। मैं रात को सिर्फ अंदर रहता हूँ। समझ गए। स्किन का प्रॉब्लम, त्वचा का दिक्कत ना, धूप से एलर्जी होगा। है ना साजे दीदी। बताइए क्या तकलीफ है आपकी। कुछ लोगों ने हमारी हवेली पे नाजायज कब्जा कर लिया है। डेरा जमाए बैठे हैं। हड़पना चाहते हैं हमसे हमारी हवेली, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें हमारा घर वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। हाँ हाँ, कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। आप जानती होंगी कि कौन है वो जो आपका घर हड़पना चाहता है। कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे। आप अपना एड्रेस बता दीजिए। पुराना कब्रिस्तान। माँ, उसके सामने आम का बागान है। बागान के अंदर अंधा कुआ। आखिरी वाला घर हमारा ही है। हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारा घर वापस चाहिए। मिलेगा मिलेगा, इंसाफ मिलेगा आपको। साजिया आपा, अपना एफआईआर का कॉपी तो ले जाइए। साजिया जी, मैडम सर, आपने एफआईआर रजिस्टर मंगाया। हाँ, तो अच्छा ठीक है, ये तो मामूली सा प्रॉपर्टी का केस है। ठीक है, आप तफ्तीश शुरू कीजिए। मैं मैडम सर, मैं तो साइबर डिपार्टमेंट में हूँ ना, तो प्रॉपर्टी साइबर डिपार्टमेंट का क्या लेना देना है। एक मिनट। चीता। हाँ 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 हाँ, संतोष जी बोलिए ना। मैडम सर कहीं भेजना चाहती है तुझे। हाँ मैडम सर बोलिए ना। ये जो प्रॉपर्टी वाला केस है जो कल रात को आया था। हाँ। उसकी तफ्तीश तुम करोगे। ठीक है मैडम। हम मैडम सर, हम कहते हैं कि हमारे साथ ना संतू जी को भी भेज दीजिए, एक से भले दो। हो गया, तफ्तीश आप दोनों ही करेंगे। नहीं मैडम सर, वो प्लम्बर बुलाया था नल। ठीक है, तो प्लम्बर को साथ लेकर जाइए। हाँ पता नहीं कहाँ चली गई। शिवजी, हमें हिम्मत दीजिए मैडम सर के साथ बात करने की। जय हिंद मैडम सर। हेलो पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? हमने आपसे कहा था कि मीरा को लेकर तुरंत थाने आई है, अब तक नहीं पहुंची। हाँ हाँ, वो ला ही रहे हैं मैडम सर, मगर क्या हुआ ना, थोड़ा घूमने का मन हुआ। किसका? आपका? क्या मजाक कर रही हैं आप? हमारा नहीं, मीरा मैडम का। हाँ तो वो क्या कह रही है, वैसे भी थाने ही जाना है, तो क्यों ना थोड़ा घूमते हुए जाए। वो ऐसे आ रही हैं, तो इसीलिए थोड़ा घुमा रहे हैं हम उन्हें। पुष्पा जी, आप क्यों हमसे मजाक कर रही हैं? वो एक मशीन है, उसका घूमने का मन कैसे कर सकता है। आप उसे फोन दीजिए, हम उसे कमांड देते हैं। उसकी क्या जरूरत है, आप हमें बताइए ना, हम कमांड देते हैं। और आपको पता है मैडम सर, हम हूबहू आपकी आवाज निकाल सकते हैं। सुनना है आपको। पुष्पा जी ये क्या कह रही हैं आप? सुना, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन हम हैं, हम दे सकते हैं उसे कमांड, आप फोन तो दीजिए। नहीं दे सकते ना मैडम सर, वो हमारे साथ नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ है? मैडम सर
हम बस थाने आ ही रहे थे, वहाँ एक गोलगप्पे वाली दुकान दिखी तो हम बस रुक गए थे, मुड़ के देखा तो मीरा अचानक गायब हो गई। पुष्पा जी आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि वो एक मशीन है, इंसान नहीं है, तो कितना बड़ा बवाल होगा। थाना बंद हो जाएगा, हम सबकी नौकरी चली जाएगी और जिंदगी भर के लिए हमारे सर पर गैर जिम्मेदारी का कलंक लग जाएगा, वो अलग। कुछ कीजिए, ढूंढिए उसे। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। हाँ जय हिंद जय हिंद। क्या हो क्या रहा है ये? आम का बागान, उसके बगल में अंधा कुआं और उसी के बगल में उनका घर है। एड्रेस तो यही दी थी ना संतु जी। चीते हैं वहाँ पे, झोपड़ी है, घर नहीं है। हाँ संतु जी, घर तो नहीं दिख रहा है, झोपड़ी ही लग रहा है हमको भी। चल चल घर नहीं मिला, चलते हैं ना। हाँ संतु जी। नहीं नहीं संतु जी, क्या कर रही है? मैडम सर बोली है पूरा तहकीकात तो करना पड़ेगा ना संतु जी। हाँ वो देखिए, वो घर जैसा कुछ तो दिख रहा है। हाँ लग तो रहा है। लग रहा है ना संतु जी? हाँ जाइए जाइए, चेक करके आइए। जाइए, तू ही बोला था ना चेक करना, चल। हाँ संतु जी, चलिए 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 संतु। डरिए मत, डरिए मत, आप हैं, आप हैं, आप हैं। चलिए संतु जी, चलिए, आप हैं, डरिए मत। कोई है? कुलदीप यहाँ कौन रहेगा? जाइए जाइए, देख रहे जाइए। क्या जाइए? साथ में चलो। चलिए चलिए। मम्मी चुआ ही होगा संतु जी। संतु जी घर नहीं तो खंडहर लग रहा है। कितने लोगों के पास घर नहीं और जिनके पास है तो खंडहर बना के रखा है। ये डरावना मासूमियत संतु जी। संतु जी जब यहाँ तक हम लोग आ ही गए तो आस पड़ोस किसी से पूछते हैं। नहीं, पूछ लेते हैं, पूछ लेते। वो देखिए चाचा जान जा रहे। चाचा चाचा सुनिए, चाचा जान, चाचा चाचा क्या है? अरे चाचा ये इतना काहे भड़क रहे हैं? बीवी अभी भाग गई है क्या आपकी? तुम्हें कैसे पता? सॉरी सॉरी चाचा, गलत तार छेड़ दिए। चाचा जान हम ये पूछ रहे थे कि इधर आस पड़ोस में कोई साजिया बेगम रहती है क्या? बेगम साजिया रहती है नहीं, रहती थी, बरसों पहले वो गुजर गई है। लिखा है यहाँ पे, कौन है जो हमारे थाने से पंगा ले रहा है? ए फोटो का खींचो, पीछे हटो, मारेंगे नहीं तो। किसने लिखा ये? संतु चीते? नहीं पता मैडम, हमको बिल्कुल नहीं पता ये सब। बिल्ले नहीं, मुझे नहीं पता। और ये थाने के बाहर लिखा है ना, मैं तो थाने के अंदर था ना, थाना है ना। क्या हो गया करिश्मा सिंह, इतना शोर क्यों मचा? मैडम से ये देखिए दीवार पे क्या लिखा है। ये आपको तो उर्दू आता है ना मैडम सर, तो ये क्या लिखा है ये? अब हमारी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी लिखा है उल्टा लिखा है। उल्टा? हाँ। हट रहे, मैं देखता हूँ। हे तुमको आता है पढ़ना ये? अरे नहीं मैडम। तो टेढ़े काहे हो रहे हो, पीछे हटो। हटना यार। अब इकबाल तुम आओ, तुमको आता होगा ना पढ़ना? बिल्कुल आता है, इसकी तरह जाहिल थोड़ी। हाँ तो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बता तो सकते हैं लेकिन लेकिन का
थाने वालों का पिछले महीने का बिरयानी का उधार है, अगर वो दे दे तो कुछ सोचे हम। मिल गया एडवांस में पूरा। मिला? हाँ। पढ़ो अब। पढ़ो यार। पढ़ोगे? ये हवेली हमारी है, चले जाओ सब वरना मारे जाओगे साजिया। ये लिखने वाला साजिया को क्यों बता रहा है? अरे वरना मारे जाओगे कौमा साजिया। साजिया? साजिया हमें बता रही है तो कौमा कब बोलेगा रे? बिल्लू जी, ए बिल्ले बक, ये वही है जो रात को आई थी कंप्लेंट लिखाने? लाइटिंग लेके आई थी। एक मिनट, तुम दोनों ने मुझसे कहा था ना कि शाजिया की मौत 25 साल पहले हो चुकी है। हाँ। तो फिर वो ये सब कैसे लिख सकती है? मैडम 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 मैडम, आपने क्या बोला था? कर क्या रहा? आपकी कोई बात नहीं सुनता। ये तो पुष्पा जी वाली चुड़ैल है। का बोले बे? पुष्पा जी आपको ऐसे बोलती है ना प्यार से, चुड़ैल चुड़ैल। ये जो दिए दिए ना भगवान ने, इनको खोलो और आंख खोल कर साफ करो। ये का नीचे साफ कर रहे हैं? मतलब पहले दीवार साफ करूं फिर उसको पेंट करूं? आई एम नॉट पेंटर। अमा तो तुम्हें चित्रकारी करनी है क्या इस पे? बिल्ले रंग है, ये खून नहीं है, बात को समझो। तुम्हारे अंदर पिकासो का आत्मा डाले तब जाके साफ करोगे? हाँ मैडम, मुझे एक बार फर्श साफ करने को बोलो, बर्तन साफ करने को बोलो, आदमी साफ करने को बोलो, आदमी की जेब साफ करने को बोलो, लेकिन ये नहीं, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये खून भरी दीवार मैं साफ नहीं कर पाऊंगा। ए बिल्ले, कल सुबह दुकान पे आ जाना, सारे बर्तन साफ कर दे चकाचक, और शाम को हमारी दुकान पे आ जाना। मैडम, दो मिनट के लिए आपकी बंदूक दो गोली के साथ मिल सकती है, एक सुबह और शाम को। ए भग, बकलौली नहीं, साफ करो जल्दी। ए बिल्ले, जल्दी कर। ठीक है, चुड़ैल खून पीने आएगी तो बता दूंगा आपका एड्रेस। का बोले बे? हाँ, आप यही हैं? हाँ। कुछ नहीं। तो साफ कर। हाँ, करता हूँ। जी, कोई समस्या है? आइए रिपोर्ट लिखते हैं अंदर। मुझे नहीं अंदर आनी है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं लिखानी है। मैडम एक मिनट, अरे एक मिनट बात तो सुनिए। मैं नवाब साहब वो कब आ गए? अभी थोड़ी देर हुए मैडम सर। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब कहाँ हैं आप? हम यहाँ हैं, सामने जो खिड़की है उसके टेबल के पीछे। नवाब साहब, नवाब साहब आप यहाँ क्या? अरे वो सुन लेगी। कौन? अरे हमारी चौथी बेगम साजिया। नवाब साहब, आपकी बेगम का बहुत सालों पहले इंतकाल हो चुका है ना? हाँ मैडम जी, वो आ गई है भूत बन के। देखिए मैडम जी, मैंने कुछ ही दिनों में हमारी आखिरी बेगम की बड़ी बेटी की शादी है, उससे पहले मैं मरना नहीं चाहता हूँ मैडम जी। उसके बाद मर जाएंगे तो चलेगा? चुप। एक मिनट, एक मिनट नवाब साहब, आप बाहर आइए, कुछ नहीं होगा। आ जाइए, हम हैं साथ में, आइए आइए, बाहर आइए आइए। बदनाम। अरे मैडम चाय के पैसे। धीरे बोलो थोड़ा, कुछ नहीं होगा, बस बदनाम था वो, आइए। बदनाम था? हाँ हाँ हाँ, और कोई नहीं, आइए आइए, बाहर आइए आइए, बाहर आइए आइए, बाहर आइए, बैठिए, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं, बैठिए बैठ जाइए। इत्मीनान से बैठिए, अब बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हम ये कहने आए हैं कि आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, लाख आप लोगों के अंदर बड़ी बुराई भरी होगी, पर इस बात का हमें यकीन है, और खास तौर से पुष्पा जी। अरे अरे, ऐसी औरतें आजकल कहाँ मिलती हैं? नवाब साहब जी, जी जी जी, नहीं मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के रहने से हमें कोई इतराज नहीं है, पर क्या? पर मैडम, इसका क्या? अरे
मैडम से ये फोटो तो इतनी जल्दी वायरल भी हो गई। देखिए मैडम जी, अब ये कहते हुए हमको अच्छा तो नहीं लग रहा कि आप लोग ये थाना खाली करके जाइए, क्योंकि हमारी जो ये चौथी बेगम साजिया है ना, अरे इसकी रूह ना हमको जीने देगी और ना आप लोगों को। भाई हमको चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठ जाइए। एक बात बताइए नवाब साहब, ये आपकी जन्नत नशीन बेगम हमारे ही थाने के पीछे क्यों पड़ी है? अरे मैडम, ये जो हमारी बेगम जो है ना, साजिया थी ना, अरे मैडम एक नंबर की लालचीन थी। और जब से मेरा उसका निकाह हुआ, उसकी नजर हमारी इस हवेली पे थी। फिर भी मैंने इस हवेली का नाम साजिया महल रख दिया, लेकिन उसका दिल नहीं भरा। वो कहने लगी, है हमें तो भाई कानूनन चाहिए, क्योंकि हम औरतों का क्या, हमारी बेटियों का क्या। और यहाँ तक कि उसने हमारी और बेगमों को जो ना भड़काना शुरू कर दिया। नवाब साहब, लेकिन कानूनन वो गलत नहीं कह रही थी, सही थी। अरे मैडम जी, कानून रखिए भाड़ में, आप अपनी सोचिए, छोड़ेगी नहीं कि जब हम तो चलते हैं भाई। नहीं नवाब साहब, बैठिए बैठिए, एक बात बताइए, आपके पास अपनी बेगम की कोई पुरानी फोटो कुछ है? मैडम है क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो बेगम थी ना, बड़ी खूबसूरत थी, एक आधी फोटो जरूर होगी। ये देखिए मैडम। नवाब साहब, आप दोनों के साथ में कभी कोई बेटी हुई थी क्या? नहीं नहीं मैडम जी, कोई बेटी नहीं हुई थी। नहीं मैडम, हमारी शादी के सिर्फ एक साल हुए थे। उस सड़े आम की तरह ना, और आमों को जो सड़ा रही थी, इसलिए हमने उसको अपने से अलग कर दिया था। अलग कर दिया? हाँ। अलग होने के बाद फिर से शादी की? हाँ मैडम, मैंने 4-5 शादी की। नवाब साहब, शाजिया ने दूसरी शादी की? मैडम उसका हमें नहीं कुछ पता। मैडम जी, हमसे अलग होने के बाद उसको कोई बीमारी हो गई थी, उसके बाद वो चल बसी। मैं चलता हूँ मैडम। हाँ हाँ हाँ, भोलेनाथ आपके रहते कैसे विपदा आन पड़ी आपके इस परम भक्त पर। अब कहाँ ढूंढे उस मीरा को, सभी जगह तो ढूंढ के देख लिया हमने। आपको पता है शिव जी, अगर ये मीरा नहीं मिले ना समय रहते, तो सब रायता फैल जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, हमारा थाना बंद हो जाएगा। कुछ कीजिए, हम नहीं जाते, आप ही कुछ कीजिए, हमें बचाइए इस विपदा से। क्या कष्ट है बच्चा? शिवजी, आप आ गए इतनी जल्दी, क्या हुआ? पार्वती माँ नहीं आई आपके साथ? जाइए, हम आपसे बात नहीं करते, सब तो जानते हैं आप, फिर भी आप पूछ रहे क्या कष्ट है? ये हम हैं बच्चा, पलटो। अच्छा पंडित जी, क्या हुआ, क्या परेशानी है बच्चा? एक मिनट, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ, लेकिन इसकी तस्वीर आपके पास कैसे? अरे वो सब छोड़िए ना महाराज, पहले ये बताइए आपने इस लड़की को कहाँ देखा है? ये वही लड़की है जो मार्केट में मिली थी, और इस लड़की के शरीर में कोई हरकत नहीं थी, एक आदमी उसे ले गया। आदमी? कहाँ लेके गया? हॉस्पिटल लेके गया होगा, और कहाँ लेके जाएगा? नहीं ना पंडित जी, आसपास के सारे अस्पतालों में हमने पूछताछ की है, वहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं आया है। तो फिर पुलिस थाने लेके गया होगा? नहीं ना, पुलिस थाने में भी ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, जो इंसान उसे लेके गया अपने साथ, उसको तो आपने देखा ही होगा, उसका रूप रंग कैसा था? मतलब कद काठी, वो कैसा दिखता था, ऐसी कोई विशेष पहचान जिसे उसे ढूंढने में आसानी हो? थोड़ा सा मध्यम कद का, मोटा, गोल सा नाक था उसका, और थोड़ा सा सांवला था। पंडित जी बहुत 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 धन्यवाद, बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द वो लड़की हमें मिल जाए। पंडित जी धन्यवाद। हमारे महिला थाने पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है।